नमस्कार, मैं हूं एस के मालवी और आप देख रहे हैं H24। H24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सुरश्री प्रसाद पटेल, प्रांतीय संगठन मंत्री मध्य प्रदेश। क्या है प्रमुख मांगे आप? मेरी मांग है OPS, पुरानी पेंशन, मेरे बुढ़ापे की सहारी वापस की जाए, यही मेरी मांग है। आज मैं सभी NPS कर्मचारी साथियों के साथ भोपाल जिले के सम्माननीय कलेक्टर महोदय जी को यशस्वी देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपने आया हूं कि ना मुझे NPS चाहिए, ना UPS चाहिए, मात्र मेरे बुढ़ापे का सहारा OPS पुरानी पेंशन तत्काल लागू की जाए। जैसे OPS लागू की गई है तो इसको रद्द करके मात्र यू में एक ऊपर से गोला बनाना है माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को, और कुछ भी नहीं करना है। एक लंबे संघर्ष की बात नहीं, और एक 20 साल बाद NPS की लड़ाई राष्ट्रीय विजय कुमार बंधु परमामेन डेहरिया जी के नेतृत्व में लड़ी गई है। उसके परिप्रेक्ष्य में OPS आया है, UPS आया है। UPS को कोई भी कर्मचारी मान नहीं कर रहा है। जो हमारा रिटर्न पैसा जाएगा उसका मात्र 10% मिलेगा। जो मेरे खून पसीने मेरे लास्ट जो मेरा रिटायरमेंट का टाइम आएगा, 10% में आज क्या होता है? कुछ नहीं होता कर्मचारियों को। इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय जी का आज इस परिप्रेक्ष्य में सभी कर्मचारी 52 डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, नगरीय प्रशासन, पशु चिकित्सालय, पूरे वन विभाग, सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने अपने मौलिक अधिकार के लिए माननीय कलेक्टर महोदय जी के, देश के प्रधानमंत्री, देश प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन सौंपे हैं। हमारे साथ मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हीरानंद नरवरिया जी भी अपने दो शब्द कहेंगे। एक लंबे समय के संघर्ष के बाद UPS लागू हुआ, इसके बाद फिर से एक नया आंदोलन छिड़ गया है, नया लड़ाई छिड़ गई है, किस प्रकार से देख रहे हैं? हम इस प्रकार से देखते हैं, NPS से ज़्यादा खराब UPS है, इसलिए UPS के विरोध में हम जो आंदोलन पूरे भारतवर्ष में शुरू किया गया है, और हम इसकी लड़ाई दिल्ली तक लड़ेंगे। NPS UPS हमने NPS चाहा ना UPS चाहा था। हमारी मांग 20 साल पुरानी OPS है, OPS बहाल कर दी जाए, ये हमारी अंतिम मांग रहे। क्या विसंगतियां हैं UPS में और OPS में? इसमें हमारा जो कटौतरा जमा होगा उसका कटौतरा का कोई हिसाब किताब नहीं, वो देने का कुछ नहीं इसमें, और 25 साल की सेवा कर दी जबकि 20 साल की सेवा के बाद पुरानी पेंशन के प्रावधान था, और इसमें ग्रेचुटी का कोई भरोसा नहीं है। कुल मिलाकर के जो NPS से भी खराब UPS है। लागू होने के पूर्व में क्या जो संगठन है उनसे कोई चर्चा नहीं की गई जो ये विसंगतियां पैदा हुई? जो विसंगतियां इसलिए पैदा गई, जिन्होंने चर्चा की गई वो पुरानी पेंशन बहाल करने वाले, पुरानी पेंशन लेने वाले कर्मचारी थे, उन संगठनों से चर्चा की गई थी। जो NPS धारी कर्मचारी उनसे कोई चर्चा नहीं की गई। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।